لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. First 10 days of Zulhijjah, हज के महीने के पहले 10 दिन, इन अय्याम की बड़ी फजीलत है, याद रखिए। पहले जुलहिज्जा से लेकर यौमुन नहर, मतलब एक तारीख से लेकर 10, और 10 के दिन हम क्या मनाते हैं? ईद मनाते हैं, याद रखिए, बकरीद जिसको कहते हैं आम जबान में, ठीक है। तो ये 10 दिन की फजीलत क्या है, उसके तरफ हम बढ़ते हैं। तो जुलहिज्जा के पहले 10 दिन की फजीलत के ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, गौर से सुनिए कितनी फजीलत है इन दिनों की, जिसको हम बहुत ईजी, बहुत आसान और बहुत मामूली समझते हैं। हदीस के अल्फाज है, जुलहिज्जा के इब्तदाई 10 दिनों के मुकाबले में दूसरे कोई अय्याम ऐसे नहीं जिनमें नेक अमल अल्लाह को इन दिनों से ज़्यादा महबूब हो। मतलब जुलहिज्जा की पहली 10 तारीख में जो अमल इंसान करता है, अल्लाह को इतने पसंद है कि इतना पसंद अल्लाह को बाकी दूसरे दिनों में किए गए अमल महबूब नहीं हैं। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जहाद भी नहीं? तो फरमाया, अल्लाह की राह में जहाद भी अफजल नहीं है। मतलब इतना अफजल है इस महीने में अमाल करना कि एक आदमी आम दिनों में अगर जहाद भी करे तो इन दिनों में किए गए अमाल की बराबरी नहीं कर सकता। तो आपने, हाँ, जहाद भी नहीं सिवाय उस मुजाहिद के जो अल्लाह की राह में निकले, जान भी ले जाए, माल भी ले जाए, जान भी चली जाए, माल भी चले जाए, वो ज़्यादा अफजल है, बाकी कोई अमल अफजल नहीं। मतलब जुलहिज्जा के पहले 10 दिन में आप जो अमल करेंगे वो अमल जहाद से भी ज़्यादा अफजल है। सिर्फ उस मुजाहिद के मुकाबले में हमारा अमल कम होगा उन 10 दिनों का, जो मुजाहिद जान माल दोनों लेके जाए और खपा दे, मतलब ख़त्म हो जाए, वरना बाकी सारे अमाल इन दिनों में अफजल है। तो गोया पता चला इन दिनों में किए गए अमाल सबसे अफजल है, याद रखिए सबसे अफजल है। तो आप जब पता चल गया सबसे अफजल है तो हमें खूब कोशिश करना चाहिए। और इसके तालुक से हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह लिखते हैं, क्यों अल्लाह ने इन अय्याम को सबसे अफजल बनाया है, और बड़ी अच्छी बात लिखते हैं और हिकमत, बड़ी अच्छी हिकमत वो लिखते हैं। और वो फरमाते और कहते हैं, अल्लाह ताला ने अशरे जुलहिज्जा, पहले जुलहिज्जा के पहले 10 दिनों को इसलिए फजीलत और शान और शौकत बख्शी है, उसका सबब ये, वो लिखते हैं, ये वो दिन है जिनमें सारी इबादतें एक साथ मिल जाती है। ये वो अय्याम है, ये वो महीना है जिसमें सारी इबादतें मिल जाती है। तौहीद तो है, एक मुसलमान चलता है, नमाज, रोज़ा, सदका और हज, सब चीज़ें एक साथ आती है इस महीने के अंदर। इसकी स्पेशलिटी ऐसा है, और कोई महीना नहीं है साल का जिसमें सारी इबादतें एक साथ आए। आप बोलेंगे रोज़ा कहाँ से आ गया? मैं आगे आ रहा हूँ रोज़े की तरफ। इस दिन नफिल रोज़ा रख सकते हैं आप इन 10 दिनों के अंदर, आगे मैं रखूँगा इंशाल्लाह। चूँकि सारी इबादतें वो कहते हैं एक साथ मिल जा रही, सबसे अफजल अमाल है, तो ज़ाहिर सी बात है सदका भी सबसे अफजल इसी महीने का है। तो वो कहते हैं चूँकि सारे अमाल एक साथ मिल जा रहे हैं, तौहीद तो है ही, नमाज हो जा रही है, रोज़ इंसान पढ़ता है, रोज़ा भी इन अय्याम के अंदर है। पहले तारीख से लेकर 9 तारीख तक रोज़ा रखना ये सुन्नत है, और अल्लाह के रसूल हमेशा रखते थे हर साल ये रोज़े। फर्स्ट 9 रोज़े जुलहिज्जा के, पहले 9 दिन के रोज़े, 10वें दिन तो ईद है, ठीक है, रखते थे। तो रोज़ा भी मिल गया, नमाज भी मिल गई, तौहीद पर इंसान था, सदक़ात भी करे चूँकि सबसे अफजल अमल है, और इसमें हज भी आ जाता है, सारे अरकान एक साथ आ रहे हैं। तो वो कहते इस वजह से अल्लाह ने, यह हिकमत हो सकती है कि इन 10 दिनों को इतनी ज़्यादा अहमियत दी, और वाकई में ऐसा और कभी नहीं होता, याद रखिए। लेकिन एक सवाल, क्या शबे कदर से भी अफजल है? तो नहीं, याद रखिए नहीं, वो एक स्पेशल है, अल्लाह ने कुरान में जब बयान कर दिया तो अब उसको ज़रूरत नहीं अलग से वो करने की। शबे कदर और रमज़ान का इशरा, उसकी एक अलग ही अपनी अहमियत है, वो मुस्तहकम, उसकी फजीलत बिल्कुल साबित है। अब जो बाकी बातें हैं उसके बाद ही, उसके नेक्स्ट ही आऊँगा, याद रखिए, ठीक है। तो सबसे अफजल है, तो इन अय्याम में हमें खूब से खूब ज़्यादा ज़्यादा अमल करना चाहिए। अब वो जो तकबीरात वगैरह मैंने कही थी रोक दिया था अय्याम तशरीक में करना है, अब अशरे जुलहिज्जा में भी तकबीरात को कहना है, और पूरे 10 दिनों तक, और बाकी के 3 दिन। तो आइयो तकबीरात में सबसे पहले हम खूब तकबीरें कहें। मुस्नद अहमद की रिवायत है, आप सब फरमाते रहे, कहते इन 10 दिनों में, मतलब जुलहिज्जा के पहले अशरे में के मुकाबले में दूसरे कोई अय्याम ऐसे नहीं जिनमें नेक अमल अल्लाह के यहाँ ज़्यादा दर्जे वाले हो, लिहाजा इन दिनों में कसरत से अल्लाह की वहदानियत बयान करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो, और अल्लाह की हमद बयान करो। इन 10 दिनों से ज़्यादा अमल अल्लाह को कोई पसंद नहीं, लिहाजा
اللہ کی وحدانیت ایک ہونا بیان کرو، اس کی توحید بیان کرو، اور اس کے تعلق سے آپ آگے فرما رہے ہیں اس کی جو ہے بڑائی، اس کی تکبیر بیان کرو اور اس کی حمد بیان کرو، ٹھیک ہے؟ اب آئیے، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے سے کیا مراد؟ لا الہ الا اللہ یہ کہنا، یہ وحدانیت بیان کرنا ہے نا. اسی طرح اللہ کی جو تکبیر بیان کرنے سے کیا مراد؟ اللہ اکبر کہنا، اور دیگر تکبیرات جو اللہ کی بڑائی بیان کرتی وہ کہنا. اسی طرح جو اللہ کی حمد بیان کرنے سے کیا مراد؟ اس کی تعریف بیان کرنا، ہر چیز کے اس کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرنا، یہ اس سے مراد ہے. اور پہلے ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک جو تکبیرات کہتے ہیں ان تکبیرات کو مطلق کہا جاتا ہے، یاد رکھیں. تو پہلے ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک جو تکبیرات انسان بیان کرتا ہے اسے تکبیر مطلق کہتے ہیں، مطلب وہ تکبیریں جو مطلق ہیں. اور 10 ذوالحجہ سے لے کر 13 تک جو تکبیر بیان کرتی ہے اس کو کہتے ہیں تکبیر مقید، وہ قید ہوتی ہے کسی عمل کے ماتحت چلتی ہے، یاد رکھیں. تو یہ تکبیرات ہیں. اب کیا تکبیرات بیان کریں؟ تو آئیے کچھ چند تکبیرات جو ثابت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ہم بیان کر سکتے ہیں. پہلی روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ آپ جو تکبیر بیان کر رہے ہیں بڑائی وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ سب سے کامن ہے جو ہم لوگ عموماً کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار ہے. لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ، اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، واللہ اکبر اور اللہ بڑا ہے، وللہ الحمد اور ساری تعریف اللہ کے لیے، تکبیر اور اللہ کی حمد دونوں ایک ساتھ آ گئی. یہ سب سے مشہور اور معروف ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. دوسرا جو پڑھ سکتے ہیں جو ثابت ہے وہ یہ ہے الفاظ اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتا و اصیلا. دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتا و اصیلا، یہ آپ دوسرا کر سکتے ہیں. تیسرا آپ جو کر سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر اللہ بڑا اللہ بڑا اور اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بھی ثابت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ثابت ہے فتح الباری میں جو روایت آتی ہے اس میں یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر، یہ الفاظ بھی جو ہے آپ ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو الفاظ ثابت ہے وہ یہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تمام تسبیحات آپ کثرت سے ان ایام میں پہلے سے لے کر 13 تک کثرت سے بیان کر سکتے ہیں. صحابہ کا ان ایام میں کیا معمول تھا جو میں نے رکھا تھا نا کہ تکبیرات آپ نہیں پڑھتے، وجوہات شرم آتی فلاں، صحابہ کا کیا معمول تھا؟ آئیے امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں صحابی جو ہے ان 10 دنوں کے اندر بازار کی طرف جاتے اور بازار میں جاتے اور اتنے زور سے تکبیر کہتے ہیں کہ لوگ بھی ان کی تکبیرات کو سن کر وہ بھی تکبیر کہتے ہیں. اب اگر ہمارے دور میں کوئی تکبیر بولتا گیا تو وہ ایک تو پاگل ڈکلیئر ہو جائیں گا، ایکسٹرا آرڈنری، حد سے زیادہ کہ کوئی دکھاوا کر رہے بھیا تم، یہ کرنا والی چیز ہے. اگر یہ دکھاوا ہوتی تو صحابی کبھی نہیں کرتے تھے، یہ کرنے والے عمل. تو یا تو وہ ہو جائیں گا یا تو پھر اللہ کا ولی ڈکلیئر ہو کے عام لوگوں سے بڑا ہو جائیں گا، اللہ کا ولی بھائی ہم نہیں کر سکتے، نیکسٹ آگے یہ ہو جائیں گا معاملہ. صحابہ نکلتے تھے اور اتنی زور سے بولتے تھے کہ سننے والے غفلت میں ہیں، بازار میں لوگ مارکیٹ میں بھول گئے، یار یاد آ گیا ذوالحجہ چالو ہے اور اس کے چلو اپنی بولو تکبیرات بیان، تو اتنی زور سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تکبیرات سن کر تکبیر بیان کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا کہ مینا میں اپنے خیمے میں، مطلب حج کے لے جاتے مینا میں اپنے خیمے میں اتنی زور سے تکبیر بولتے کہ آواز مسجد میں چلے جاتی تو مسجد والے تکبیر بولتے، مسجد والے تکبیر بولتے تو آواز بازار میں چلے جاتی تو بازار والے تکبیر بولتے. اور چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا تھا، بخاری کی روایت ہے، مطلب وہ یہاں بولتے تو مسجد والے سن لیتے، مسجد والے بولتے تو بازار والے سن لیتے، بازار والے بولتے تو اتنی زور سے آواز ہوتی کہ پورا مینا آواز سے گونجتا تھا لوگوں کی تکبیرات لوگ بیان کرے، جیسے حج میں ہوتا ہے نا. تو یہ حج میں تو کرنا ہی ہے، بازار میں بھی کرتے تھے، مطلب ابھی حج کو نہیں گئے تو شروعات میں بازار میں بھی کرتے چلتے پھرتے. تو ہمیں خوب تکبیرات اس مہینے میں بالخصوص 1 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر 13 تک بیان کرنا ہے. تو اسے پتہ چلا کہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان میں تکبیرات باواز بلند زور سے بیان کرنا ہے. اور عورتیں چونکہ وہ زور سے نہیں کر سکتی تو وہ پست آواز میں ہلکی آواز میں اپنے گھروں میں کریں گی. ہاں اگر گھر میں غیر محرم کے سننے کے ڈر نہ ہو تو عورتیں بھی بلند آواز میں تکبیرات پڑھیں گی. سمجھ لیجیے گھر میں صرف محرم ہے، بھائی ہے، والد ہے، بچے ہیں، سکے بھانجے بھتیجے، محرمات، تو عورت تیز بول سکتی ہے، لیکن ڈر ہو کہ غیر محرم سنیں گے تو پھر پست آواز میں بولیں گی، لیکن عورت بھی بولیں گی،
और मैं तो कहता हूं औरत ही पहले बोले तो फिर बच्चे भी बोलेंगे, बच्चे तो माँ से ही सीखेंगे ना। बहरहाल तो औरत भी बोल सकती है, ठीक है। इसी तरह जो है तकबीरात के अलावा इन अय्याम में हमें क्या करना है, तो इन अय्याम में हमें रोजे रखना है। कौन से? अशरा ज़ुल्हिज्जा, पहले ज़ुल्हिज्जा के पहले अशरे की बात चल रही है हमारी, तो उसमें क्या करना है, तकबीरात के अलावा रोजे रखना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है, सही मुस्लिम की रिवायत है, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इस दिन का रोजा 9 ज़ुल्हिज्जा एक साल पिछले और एक साल अगले गुनाह का कफारा बनेगा। तो 9 ज़ुल्हिज्जा को तो रखना है, ये गैर हाजी के लिए, हाजी नहीं रखेगा। इसके अलावा इन महीने के अंदर जो रोजे आप रखेंगे उसमें एक रोजा जो मशहूर और मारूफ है वो ये है, जिसके ताल्लुक से रिवायत इस तरह से आती है, सुनन अबू दाऊद की रिवायत है कि आप सब की जौजा मुबारक जो है एक जौजा फरमाती और कहती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ज़िलहिज्जा मतलब 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा, उसके अलावा जो है यौम आशूरा का रोज़ा, हर माह के 3 रोज़े, और एक रिवायत में ज़िलहिज्जा के पहले 9 रोज़े, 9 ज़िलहिज्जा अरफे का रोज़ा, और जो है 10 मुहर्रम का रोज़ा, और अय्याम 20 महीने के 3 रोज़े कभी नहीं छोड़ते, और एक रिवायत में अल्फाज है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले 9 रोज़े ज़िलहिज्जा के पहले मतलब पहले अशरे के पहले 9 दिन के रोज़े, और 10 मुहर्रम का रोज़ा, और इसी तरह अय्याम 20 महीने के 3 दिन 13 14 और 15 ये रोज़े कभी नहीं छोड़ते। तो इस रिवायत में 9 रोज़े के तस्करा है, पहले 9 रोज़े, तो पता चला इस महीने में रोज़े भी रखना चाहिए। मुस्नद अहमद की रिवायत है, आपने फरमाया के ताल्लुक से आता है, फरमाया 4 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी 4 काम नहीं छोड़ते, आशूरे का रोज़ा, अशरे ज़ुल्हिज्जा के 9 रोज़े मतलब पहले अशरे के 9 जो है दिन के जो है फास्टिंग रोज़े, और महीने के 3 रोज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फजर की 2 सुन्नतें, 4 अमल कभी नहीं छोड़ते। इसमें भी क्या आ गया, 9 रोज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं छोड़ते थे, तो अशरे ज़ुल्हिज्जा में रोज़ा भी रखिए, तकबीरात रोज़ा 9 रोज़े रख सकते हैं, 9 ना भी हो पाए तो कम से कम एक तो ज़रूर रखिए, अरफे के दिन का रोज़ा, ठीक है, ये भी जो है इसमें अमल करना है। इसके अलावा चूंकि इस महीने में किए गए सारे आमाल अफजल है, लिहाजा नफिल नमाज का खूब एहतमाम करें। नफिल नमाज के फ़ायदे जो आते हैं सही मुस्लिम की रिवायत में इस तरह से आते हैं, अल्लाह ताला के लिए अपने सजदों को लाजिम कर लो, बेशक जब तुम सजदा जब बंदा सजदा करता है तो अल्लाह सुभान ताला कि अल्लाह जो है सजदे के ज़रिए अपनी तरफ तेरा एक दर्जा बुलंद करता है, और इस सजदे के ज़रिए तेरा एक गुनाह मिटा देता है, और ये साल के हर वक्त हो सकता है, तो लिहाजा ये नफिल नमाज के फ़ज़ाइल है। तो खूब इन महीनों में क्या करें हम, ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो 9 रोज़े रखने की कोशिश करें, कुछ ना तो एक नफिल नमाजों में अहतमाम, फ़र्ज तो बहरहाल करना ही है, इसमें कोई शक ही नहीं है, नफिल नमाजों का कसरत से अहतमाम, इसी तरह तिलावत कुरान का कसरत से अहतमाम, इसलिए हर हर्फ पे 10 ने किए, और इससे ज़्यादा क्या बेहतर हो सकता है कि हम ज़िलहिज्जा के पहले अशरे में ही अमल करें, जो सबसे ज़्यादा अफजल अमल है, तो आप वो कीजिए। सदक़ा देना इसलिए कि सदक़ा एक बड़ा अफजल अमल है, सदक़ा भी दीजिए इसलिए कि इस 10 दिन में किए गए अमल सबसे अफजल है, लिहाजा खूब जो है सदक़ा आप कीजिए, और दीगर जितनी नेकियां हो सकती है वो करें, और बिलखसूस गुनाह कबीरा से और हराम कामों से अपने नफ्स को बचाएं, बिलखसूस गुनाह कबीरा से और हराम कामों से अपने नफ्स को बचाएं, इसलिए कि मोहतरम और हुरमत वाले महीनों को पास और लिहाज रखना यही है कि इसमें हम गुनाह और मासियत काम ना करें, नेकियों में इजाफ़ा करें। तो जहां हम नेकियों में इजाफे की मैं बात कर रहा था अब तक, तो यहां गुनाह से बचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि ये अय्याम में किए गए अमल सबसे ज़्यादा अफजल है, लिहाजा खूब नेकी का अहतमाम करें और खूब अपने नफ्स को गुनाहों से बचाएं, वो चाहे ज़िलहिज्जा का महीना हो या दीगर और 3 महीने मतलब टोटल 4 महीने हुरमत वाले, इन 4 महीने का एहतराम करें, हुरमत का पास लिहाज रखें, गुनाह और मासियत से इज्तनाब करें, बिलखसूस कबायर से अपने आप को बचाएं, इसी तरह नेकियों में अपने आप को आगे बढ़ाने की हम जो है खूब से खूब जो है कोशिश करें, और बिलखसूस वो अमाल जो अमाल हमें बताए गए इन अय्याम में करने के, उन अमाल को हम जो है कसरत से करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा गुनाहों से अपने नफ्स को अपने आप को बचाने की कोशिश करें। अब आइए आखिर बस चंद कलमात कि इन अय्याम में जो मखसूस दिन हैं उनके कुछ नाम आपके सामने रख देता हूँ ताकि बात से वाजे हो जाए। जो है पहले अशरे को जो ज़िलहिज्जा का होता है, ज़िलहिज्जा का होता है उसे कहते हैं अशरे ज़िलहिज्जा। तो अशरे ज़िलहिज्जा, अशरा का माना 10 होता है, तो अशरे ज़िलहिज्जा बोले तो बात के 10 दिन या आखिर के 10 दिन नहीं याद रखे, जब भी रिवायत में आएगा अशरे ज़िलहिज्जा तो माना है पहले 10 दिन, फर्स्ट 10 डेज, ठीक है। इसके अलावा दूसरी दूसरा जो है यौम ज़ुहा, ये जो है ईद उल अज़हा के दिन को कहते हैं यौम ज़ुहा। इसी तरह जो है एक और दिन अय्याम मालूमात, जो हमने अभी देखा कुरान की आयत में जो है जो सूरह हज की आयत में 27 में, वो है 10,
ग्यारह बारह और तेरह ये अयाम मालूमात हैं, इनको अयाम मालूमात भी कहा जाता है। अयाम मालूमात मतलब दस जुलहिज्जा, ग्यारह जुलहिज्जा, बारह और तेरह जुलहिज्जा। इसी तरह अयाम तशरीक ग्यारह जुलहिज्जा, बारह जुलहिज्जा और तेरह जुलहिज्जा को कहा जाता है। इसी तरह यौम अरफा नौ जुलहिज्जा को यौम अरफा कहा जाता है। इसी तरह यौम नहर, यौम नहर दस जुलहिज्जा को, ईद के दिन, यौम नहर मतलब कुर्बानी का दिन, खून बहाने का दिन, तो यौम नहर दस जुलहिज्जा को कहा जाता है, ईद के दिन कहा जाता है। इसी तरह जो है यौम तरविया कहा जाता है आठ जुलहिज्जा को, जब जो है हाजी जो है मीना में जो क़याम करने आते हैं, और ये बात जो है सुनन अबू दाऊद में आती है, तो इसको यौम तरविया कहते हैं जो आठ जुलहिज्जा होते हैं। तो ये चंद नाम है। इसी तरह जो है लैलतुल हस्बी हस्बा, लैलतुल हस्बा कहता है, अय्याम तशरीक के बाद जो एक रात आती है चौदह की, उसको लैलतुल जो हस्बा कहते हैं। तो ये चंद नाम थे जो इन दिन में अय्याम तशरीक, यौम नहर, ईद उल अज़हा और इस तरह से हम लोग सुनते हैं आमतौर से। तो ये वो चंद चीज़ें थी जो मैंने बेहतर समझी कि आपके सामने। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك